लेकिन लाहौर के पास पूरे के पूरे ही फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो अभी यहीं तक हैं। ये लुक्स टू बी अ वेरी डेंजरस टीम लाहौर बिकॉज ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेनर प्लेयर्स, ये अच्छी टीम लग रही है। अब क्या कराची दबोच पाएगा कि नहीं, क्या ये सेमीफाइनल जो होता है इसमें कराची निकलता है, लाहौर निकलता है, दोनों में से एक तो निकलता है, दोनों में से एक को किसी को फाइनल तो खेलना ही खेलना है। आपने मैच देखा लाहौर कलंदर ने, कलंदर ने दमदम मस्त कलंदर कर दिया जी, बहुत ही अच्छा खेले कलंदर और कलंदरों ने साबित कर दिया, तीन बड़े मैच जीते, आज एक और बड़ा मैच जीता और साबित कर दिया कि अच्छी टीम है, और ये भी साबित कर दिया कि उनका जो एक रिलेशनशिप है फॉरेन प्लेयर्स के साथ वो भी बहुत अच्छा है। बाकी सारी टीमों के फॉरेन प्लेयर्स भाग गए, कुछ कुछ रह गए, कराची के बाद दो रह गए मेरे ख्याल में, और बाकी सारे भाग गए, डेलपोर्ट और महट सॉल्ट भी बाकी हैं कराची में, और लाहौर के सारे ओवरसीज प्लेयर अभी तक यहीं पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाहौर के पास टाइम भी है, प्लेयर्स भी हैं और मोमेंटम भी है। आज लिन ने बहुत ही फेंटा लगाया, इस पर बात करते हैं, फखर ने भी बड़ा फेंटा लगाया, लेकिन ये भी बात करते हैं कि मुल्तान सुल्तान अपने मेजर बॉलर्स को रेस्ट कराया, और क्योंकि मैच खेलना था फौरन, इसके बाद फौरन खेलना है मैच, तो मुल्तान सुल्तान ने कहा जी कि अब हम खेलेंगे जालमी के साथ, अब जालमी वर्सेस मुल्तान हो गया ना जी, अब मुल्तान जालमी को फेंटा लगाएगा और मुल्तान शायद आगे निकल जाए, शायद जालमी निकल जाए, वी नेवर नो, बट माय पिक इज के अगर कामरान अकबल फायर कर गया, शुएब मलिक कर गया, उनके ओपनर्स कर गए, और शायद हैदर अली कर गया, तो शावर जालमी लुक्स टू बी अ वेरी डेंजरस टीम। और अगेन मुल्तान सुल्तान जो इतना अच्छा खेला है, क्या उसका रन ऐसी खत्म हो जाएगा, ही हैड अ ब्लास्ट इन पीएसएल, लेकिन आज बहुत फेंटा खाया उन्होंने। लेकिन पहले मैच की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा विकेट बड़ी मजे की थी, खुशदिल ने किए अच्छे रन किए खुशदिल ने, और 42 किए इसने कप्तान ने, शाह मसूद ने, शाह मसूद अच्छा लग रहा है, इज अ गुड कैप्टन, इज अ गुड किड एंड ही इज लर्निंग अ लॉट, ही इज गेटिंग देयर। बट हैविंग सेड दैट, जब लेन आया तो उसने अपने जो इतना भी उधार था उतार दिया, उसने उधार किया था उस पर कि ये था कि वो पिछले कई मैच से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, फखर जो इन एंड आउट हो रहे थे, दोनों उनमें से एक किसी ने सेटल करना था, दोनों ने इतना ही फेंटा लगाया, इतना फेंटा लगाया कि फेंट के रख दिया मुल्तान सुल्तान को। ठीक है बॉलर पूरे नहीं खेलने के, फिर भी लाहौर कलंदर लुक टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रांग टीम, फॉरनर्स इनके पास हैं, मोमेंटम इनके पास है और जीत इनके पास है। अब सबसे बड़ा मैच जो आने वाला है जनाब, वो है बेस्ट ऑफ थ्री का फाइनल। बेस्ट ऑफ थ्री किया जी, लाहौर ने बड़ा ही रगड़ा दिया कराची ने, कराची ने इतना ही दबोच के मारा कराची के अंदर ही। अब मैच आ रहा है जी यहां पे, अब लाहौर वर्सेस कराची आ रहा है, अब देखना ये है कि क्या लाहौर अपना बदला ले पाएगा, क्या कराची इनको दबोच पाएगा, ये एक बड़ा सिनारियो आ रहा है, ये मेरे ख्याल में फाइनल से पहले फाइनल आ रहा है। और कराची के लिए एक बैड न्यूज ये कि सारे फॉरेन प्लेयर्स चले गए हैं, दो रह गए हैं खेल रहे हैं, अच्छी टीम है, सॉरी जॉर्डन भी है इनके पास, तीन हैं, लेकिन लाहौर के पास पूरे के पूरे फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो अभी यहीं तक हैं। ये लुक्स टू बी अ वेरी डेंजरस टीम लाहौर बिकॉज ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेनर प्लेयर्स, ये अच्छी टीम लग रही है। अब क्या कराची दबोच पाएगा कि नहीं, क्या ये सेमीफाइनल जो होता है इसमें कराची निकलता है, लाहौर निकलता है, दोनों में से एक तो निकलता है, दोनों में से एक को किसी को फाइनल तो खेलने, और मेरा नहीं ख्याल कि कराची इतनी आसानी से गिव अप करेगा और लाहौर भी इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। अब इस मैच में फेवरेट कौन होगा, आप मुझे ये लिख के भेज दीजिए कि लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स। मेरे कराची के भाई जो मेरे क्रिकेट की स्ट्रगल का हिस्सा रहे हैं कराची वाले, आई एम विद यू गाइस, आई एम ऑल द वे विद यू, बिकॉज मुझे बहुत प्यार है कराची से, बीइंग अ पंजाबी आई एम फ्रॉम लाहौर, पिंडी और पंजाबी हूं। अब पंजाबी वर्सेस कराची वाले, उर्दू स्पीकिंग वर्सेस पंजाबी, अब मुझे ये बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे, मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे दोनों ही बड़े फेवरेट शहर हैं भाई, और कराची भी मेरा अपना शहर है, क्योंकि मैं कराची वाले मेरे साथ ना होते तो मैं क्रिकेटर ना बनता, तो बड़ा सिंपल था। अगर लाहौर
वाले ना पिक करते मुझे तो मैं बिल्कुल ही फारग हो जाता। सो मेरी वोट किसी तरफ नहीं, मैं वोट आप पे छोड़ रहा हूं। जो जिसका दिल करता है वो मुझे बताए, साइन टी शर्ट और साथ मैसेज के साथ मुझे लिख भेजिए, मैं आपका नाम लेके, आपका नाम और आपकी जितनी भी जो तफसीलात आप भेजेंगे वो तफसीलात बना के वीडियो अपलोड भी करूंगा और आपके साथ वो वीडियो शेयर भी करूंगा। अच्छा, आपने मुझे बताना है ये फाइनल बिफोर द फाइनल हो रहा है, ये इसमें कौन जीतेगा और मेरी शर्ट हासिल करेगा। और अगेन मुझे अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी, लाहौर बहुत गुस्से में है, मार बड़ी खाई कराची से उसने, कराची ने ठीक ठाक रगड़ा लगाया उसको, लाहौर को, लेकिन लाहौर ने भी रगड़ा लगाया था बेन डंग ने कराची को। अब बेस्ट ऑफ थ्री का फाइनल, ये है फाइनल से पहले फाइनल, आपकी क्या टेक है? आप, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, बट बड़ी सैड न्यूज है कि यहाँ पर क्राउड नहीं है। इमेजिन करते हैं कि कराची का क्राउड, लाहौर का क्राउड सारा मिक्स हुआ, वो पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी, एक मुल्क, एक पाकिस्तानी, एक ही टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिटी सिटी सपोर्ट कर, हम तो PSL और पाकिस्तान का ना, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं हम, लेकिन उस वक्त हम कराची वर्सेस लाहौर को सपोर्ट कर रहे होंगे। अब ये एक बड़ा अच्छा एनवायरमेंट बनता है और इसमें राइवलरी भी आती है, मजा भी आता है, लेकिन क्राउड ना होने की वजह से मजा फीका हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी टीवी पे देखेंगे, यूट्यूब पे करेंगे और आपसे जुड़े भी रहेंगे। लेकिन ये मैच होने वाला बड़ा तगड़ा, आपकी क्या टेक है आप मुझे लिख भेजिए। आज लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारक हो, वेल डन, शाबाश, सिर्फ दो मैच और जीतने हैं तो आप क्लियर हो सकते हैं। कराची, आपने भी सिर्फ दो मैच जीतने हैं, आप भी फाइनल जीत सकते हैं। इन दोनों टीमों में से एक टीम को फाइनल जीतना चाहिए। आई डोंट केयर कि जो भी है, इन दो टीमों ने सफर बहुत किया है, इन दो टीमों की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, इन दो टीमों में से एक टीम को जीतना चाहिए। आप भी कौन सी टीम होगी लिख भेजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, वेल डन लॉर्ड अंदर, बहुत अच्छे। जैसे शिव अख्तर यूट्यूब चैनल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, यू स्टिल नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल, दैट्स वेयर आई एम नॉट गेटिंग लॉट मोर सब्सक्राइबर, इट इज 2.6 million, बट ये हमें 10 million करना है, पड़े जल्दी। तब लव यू ऑल, टेक केयर। एक्सप्रेस has left the station, that's for sure. Look guys, I'm the first person who criticized, I'm the first person who actually try to say the logical things, aur aap logon ko pasand aati hai ki main bluntly baat karta hu aur koshish karta hu logical baat karne ki. Lekin jo ek banda jo injured nahi hota tha, jisko 24 ghante injury rehti thi, poocho kaun? Main to samajh gaya. Oh yaar, oye main kya hua yaar, main nikal nikla, main kya, teri pace 120 hai, निकल गया, ऐसे निकल सकता है अजहर महमूद? पाकिस्तान वहीं से बाहर हो गए थे जब वेस्ट इंडीज का पहला मैच पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा। फखर, इमाम, बाबर, ये आपके सेट है, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये अभी तक धड़क रहा है, बहुत जोर का धड़क रहा है, और मैंने कहा था ना आपसे फैंटा लग जाएगा। याद रखना, एक उंगली दूसरी की तरफ होती है, चार अपनी तरफ होती है, सो ये याद रखना। सो डोंट स्टॉप क्रिटिसाइज सानी मिर्जा एंड प्लीज वंस फॉर ऑल आई एम सेइंग टू यू, सोनाली बेंद्रे मेरा कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ ऐसा नहीं था, प्लीज स्टॉप दिस स्पेकुलेशन वंस फॉर ऑल, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द मीडिया। पूरी कौम खड़ी हुई है, लेकिन ये याद रखना कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एसेट था, फ्रंट लाइन फोर्स है हमारी, जब भी पाकिस्तान फंसा है, जब भी पाकिस्तान कहीं भी मुश्किल आता, अभी भी मुश्किल माशी हालात में फंसा हुआ है, तो ये हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है, जो आप लोग हैं, हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, ये आज भी मदद के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। ये जो जगह है ना, ये भी बहुत ज्यादा पुरानी और हिंदुओं के लिए बड़ी सीक्रेट हिस्टोरिकल प्लेस, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे जो लोग हिंदुस्तान में वो देखें, क्योंकि बात क्या है। अब क्या करेगा बीसीसीआई, अब इनकी जो जितने दोस्तों को विराट कोहली ने फेवर दी थी और उनको प्लेयर बनाने में मदद की थी और अच्छी नीयत से की थी कि KL राहुल प्लेयर बन जाए, दिनेश कार्तिक बन जाए, सारे आ जाए, पंट आ जाए, वो अब फेवर इन दोस्तों को नहीं मिलनी। ऑफ स्टंप से निकलती हुई बॉलें बैट्समैनों को तंग करती हैं, स्पेशली इंडियन बैट्समैनों को तंग करती हैं। मैं क्या, ये इन बेवकूफों को नहीं पता, तुझे पता होना चाहिए। अच्छा, कौन है? डेल स्टेन। मैं कहो भाई, तू इस पेस से हमारे साथ खेल रहा होता, हमने सो भी नहीं करना था। मैं चाहता हूँ कि नई टीमें वर्ल्ड कप जीतें, उनकी क्रिकेट प्रमोट हो, इंग्लैंड में क्रिकेटर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता जाए। शाहिद अफरीदी ने भी तो ये दो तीन दफ़ा होता ना, वर्ल्ड कप के बाद छोड़े हैं, अब इसके बाद छोड़े हैं, कहते मेरे कोई प्लान नहीं है, लेकिन लेट्स सी जी गेल के। यूसुफ ने चार दफ़ा रिटायरमेंट दी है ना, आज मैं रिटायर हूँ, कल वापस आ जाए। मैं यूसी छोड़ दे यार।